भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। किसी के नाम पर कोई भी अफवाह बड़ी जोरों से फैलाई जा सकती है। फिलहाल इस वक्त जो अफवाह फैली है उसके बारे में हम आपको बता दें। बताना जरूरी है क्योंकि भाई जब ये भोजपुरी के स्टार्स से जुड़ी बातें हैं तो वो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ये अफवाह इसलिए है क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कोई भी खबर हमारे पास नहीं आई है। सिर्फ इसे अफवाहों के लिए ही उड़ाया जा रहा है, किसी की इमेज को गिराने के लिए ही उड़ाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हमने अपने सूत्रों से जहां तक पता किया है ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये क्या, पवन सिंह के फैंस अक्षरा सिंह पर बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत ये लगा रहे हैं कि पवन सिंह के अच्छे गानों पर डांस न करके वल्गर गानों पर डांस करने की वजह से दर्शकों ने अक्षरा सिंह को स्टेज पर ही पीट दिया। अब भाई इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन पवन सिंह के फैंस ये खबर बड़े जोरों शोरों से फैला रहे हैं कि क्या लिखा गया है अक्षरा सिंह के बारे में। खैर जो लिखा गया है वो तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन इससे पहले भी जब पवन अक्षरा का विवाद हुआ था, भले ही पवन ने कुछ नहीं कहा हो, लेकिन पवन सिंह के जो फैंस रहे हैं, सो कॉल चमचे रहे हैं, उन्होंने अक्षरा सिंह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि अक्षरा सिंह के साथ ऐसा भी कुछ हुआ हो। लेकिन जैसे ही विवाद शांत हुआ ये थोड़े शांत हो गए, लेकिन अब फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया है। अक्षरा सिंह के लिए फिर से ऐसी ही बातें हो रही हैं। हम यहाँ फिर कह रहे हैं कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, इसलिए इसे हम सबसे पहले अफवाह का नाम ही दे रहे हैं। लेकिन आगे अगर ऐसी खबर है भी तो हम यही कहेंगे कि अक्षरा सिंह ही क्यों, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो अक्षरा सिंह के ही ऊपर ऐसी तोहमतें, दर्शकों का व्यवहार क्यों। अक्षरा सिंह के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर हैं जो अश्लीलता इतनी फैला रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अश्लीलता के बोझ तले कहीं एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री डूब न जाए। लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है और अक्षरा सिंह के फैंस और अक्षरा सिंह खुद इस अफवाह का खंडन भी करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।